आदरणीय उपसभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा रक्षा उत्पाद को प्रोत्साहन करने हेतु देश में विभिन्न स्थानों को चयन कर वहां डिफेंस कॉरिडोर को स्थापित करने की योजना बनाई गई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट तथा झांसी में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित हुए। महोदय, उत्तर प्रदेश के औरैया तथा इटावा जनपद भौगोलिक दृष्टि से औद्योगिक विकास के अनुरूप परिस्थितियों में स्थित है। दोनों ही जनपद उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा दर वाले जनपदों में से एक है, परंतु दोनों जनपदों में औद्योगिक विकास की कमी के कारण युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए चयनित चित्रकूट, झांसी, कानपुर तथा लखनऊ कॉरिडोर का विस्तार इटावा तथा औरैया जनपद तक किया जाए। दोनों ही जनपद झांसी तथा चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से तथा कानपुर से सड़क व रेल मार्ग द्वारा तथा लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे के सीधे जुड़े हुए हैं। डिफेंस कॉरिडोर के दोनों जनपदों तक विस्तार से क्षेत्र के विकास की नई संभावनाओं के साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान हो सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सभापति महोदय, रेल भारत के विकास का इंजन है। रेल आधारित विकास ने देश को अनेकों क्षेत्रों में विकास में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में औरैया के लोग अनेकों वर्षों से रेल आधारित विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। औरैया तथा निकटवर्ती अन्य स्थानों पर अनेकों बार रेल की संभावनाओं पर सर्वेक्षण भी हुआ है। लाखों रुपया सर्वेक्षण में खर्च किया जा चुका है। वर्षों से चले आ रहे सर्वेक्षण कार्य तथा लाखों रुपए खर्च होने के पश्चात भी औरैया के लोगों को रेल की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। मैं आपके माध्यम से माननीय सरकार से निवेदन करती हूँ कि पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर अथवा कन्नौज से विधुना औरैया होते हुए जालौन तक तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे हमीरपुर और औरैया होते हुए इटावा तक नए रेल मार्ग का सर्वेक्षण कार्य की तथा रेल परियोजनाओं को अतिशीघ्र जमीन पर उतारा जाए, जिससे कि औरैया, विधुना, अन्य निकटवर्ती इलाकों के लोगों को रेल की सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही क्षेत्र के विकास की नई संभावनाओं के विकसित हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती गीता जी।